Damn. Go live. Let me check if we are live. Okay, so we are live. So welcome all. Today we are going to start. Like today we are going to learn a lot. We have only 1 hour and we have to finish a lot. So let's start very quickly. So in the last lecture we had learned past tense. I hope everybody remembers. हमने past tense बहुत detail में देखा. First of all हमने देखा हटन और वारन. हाबन का होता है past tense हटन, जाइन का होता है वारन. And कितना भी we learned a very important thing. कितना भी irregular verb हो, जब वो past tense में आता है तो वो एकदम normal हो जाता है. मतलब क्या? इश रूप सिर्फ याद रखो, इश हट याद रखो, दू को एसटी लगेगा, एर हट ही रहेगा और हटन कंप्लीट करना है. डैश एसटी, डैश ईएन ईएन. सिमिलरली वारन, इश वार, दू वार्स्ट, एर वार, वी वारन, जी वारन. एवरीबॉडी रिमेंबर्स दिस? यस सर. नेक्स्ट नेक्स्ट हमने किया मोडाल वर्ब्स. तो मोडाल वर्ब्स हमने क्या बोला? अगेन मोडाल वर्ब इसमें जो भी करते हो, इश्कान, विय, क्योनन, जो भी करते हो, पास्ट टेंस में आते ही आपको सिर्फ याद रखना है कौंट, जोल्ट, दुर्फ्ट, मुस्ट और कौंट हो गया वोल्ट. ओके, दैट्स इट. और फिर हमेशा की तरह आई कैन प्ले क्रिकेट, इश कान क्रिकेट स्पीलन. आई कुड प्ले क्रिकेट, इश कौंट क्रिकेट स्पीलन. रिमेंबर्स एवरीबडी? ओके. ओके, एंड देन हमने क्या बोला कि जैसे इंग्लिश में आपको गो, वेंट, गॉन याद ही रखना पड़ता है, वैसे ही जर्मन में भी आप, या फिर हिंदी मराठी हिंदी में आना का आया होता है पर जाना का जाया नहीं होता, गया होता है, वैसे ही जर्मन में भी देर आर इरेग्युलर. तो गेहेन का गिंग आपको याद ही रखना पड़ेगा. इश फॉर्म गिंग याद रखो तो फिर इश गिंग का, फिर अगेन वो फॉर्मूला सेम ही है, इश गिंग, एर गिंग. दू को एसटी लगाओ, दू गिंगस्ट, वी अ गिंगन, जी गिंगन. एवरीबॉडी रिमेंबर दिस? यस सर. मैंने सिर्फ पास्ट टेंस की रिवीजन क्विकली ली इन केस आप भूल गए हो. आज जो हम परफेक्ट टेंस लेने वाले हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है. इट हैज नथिंग टू डू. ओनली थिंग, जैसे हमने गो, वेंट, गॉन इंग्लिश में सीखा था, सो गो, वेंट, गॉन क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. गो, वेंट, गॉन. वैसे ही जर्मन में हमने सीखा गेहेन, गिंग, गेगांगन. और ये गेगांगन क्या था? पास्ट पार्टिसिपल था, पास्ट पार्टिसिपल. और हमने लास्ट क्लास में परफेक्ट टेंस की भी शुरुआत की थी. परफेक्ट टेंस हम कैसे बिल्ड करते हैं? इंग्लिश की तरह ही. हमने एक एग्जांपल लिया था, लेट्स बिल्ड ऑन इट अगेन. आई हैव प्लेड क्रिकेट. I have, ये जिसके पास नॉइज है प्लीज म्यूट करो. आई हैव प्लेड क्रिकेट. इश का इश ही रहेगा, हैव ऑक्सिलरी था इंग्लिश में, वैसे ही जर्मन में भी हाबर रहेगा. सिर्फ जो पास्ट पार्टिसिपल बनेगा वो एंड में जाएगा और वो है गेस्पील्ड. वो है गेस्पील्ड. तो जर्मन में स्पीलन का होता है स्पीलन, स्पील्ट, गेस्पील्ड. तो वहां से हमने ये पास्ट पार्टिसिपल उठाया और यहाँ पे लगा दिया. एवरीबडी रिमेम्बर यहाँ तक? यस सर. यस. हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, डू हास्ट, क्रिकेट गेस्पील्ड, राइट? यस सर. वी हैव प्लेड क्रिकेट, वी हाबन, क्रिकेट गेस्पील्ड. हम सिर्फ हाबन को चलाएंगे, गेस्पील्ड तो पास्ट पार्टिसिपल है इंग्लिश की तरह ही, वही रहेगा. Everything else will remain same. The only change will be the conjugation of. समझ में आया? Yes. Yes. Okay. Yes. और हमने कुछ कुछ देखे थे, मैं फिर से देता हूँ यहाँ पे एकदम सिंपल वाले. गेगेसन इस एसन का है. गेगेसन गेत्रुंकन इज, ये आपको याद ही रखना है. आपको दिए हैं त्रिंकन का, प्लीज ये म्यूट करो जो भी है. थैंक यू. गेजेहन जेहन का है देखना का, सीन काइंड ऑफ. गेलेजन इज लेजन का, पढ़ा, मतलब
learned kind of read. Yeah, gelernt is learnen ka. I have already given you. आज मैं अभी ये दे रहा हूँ आपको कि आपको ये थोड़ा सा अभी हम जो sentences बनाएंगे उसमें easy हो. Gespielt हमने अभी देखा. Gekocht, gewohnt, I have lived. Okay? यहां तक समझ में आया सबको ये tenses? Yes, sir. पांच sentences बनाते हैं. Let's make 5 sentences so that it is easier. ये सामने आपको दिखा लिखा ही हुआ है. I'm giving few more क्योंकि एक बार इसको perfect कर देते हैं. Let me check YouTube. You can still see my screen, right? Yes. Okay. Hello, Afreen. Hello, Fun Vlogs. Hello, Nadeem. Hello, Prateek. Hello, Fatima. You can still see my whiteboard, right? Yes. जब आपका हो जाए तो डन लिखना. Yeah, I see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 duns. Okay, anybody who has not given answers? Sir, Anshul, can repeat. Repeat. Sir, okay, Deepthi. Apart from Anshul, anybody who has never given answers? Sir, Sandhya, can I give? Sandhya, have you ever given answers? Yes, sir. Before, twice I have given. Then let's give. I can give, Kedar, but I have completed 5. Is that okay? Dhananjay here. Dhananjay, I think tumi pan delay led uttar baryasda tyamule. Let's give others chance, okay? Complete kara, no problem. Okay, Anshul. Okay. Let's give another 30 seconds. Let's give everybody to finish. Yeah? Yes, sir. आपको जैसे इंग्लिश में करते हो वही होगा. द ओनली डिफरेंस विल बी द पास्ट पार्टिसिपल विल गो एट द एंड. बाकी
कंसेप्ट इज वेरी सिमिलर टू इंग्लिश. जैसे मैंने बोला जहां पे पॉसिबल है हम इंग्लिश का सहारा लेंगे, वेन एवर इट्स पॉसिबल वी विल टेक हेल्प ऑफ अवर मदर टंग. ओके आंचल. या यस सर. इंग्लिश. आई हैव ईटन पिज्जा. इश हाबे पिज्जा गेगेसन. वेरी नाइस. यू हैव ड्रंक टी. दू हास्ट टे गेट्रिंकन. गेत्रुंकन जो लिखा है वही बोलेंगे. यू हमेशा ऊ ही बोलेगा. गेत्रुंकन. गेत्रुंकन. ही हैज सीन हैरी पॉटर. एर हाथ हैरी पॉटर गेसेहन. गेसेहन. वेरी नाइस. वी हैव लर्नड जर्मन. वीर हैबन जर्मन गेलेंट. अभी डॉइच तो बोलते आना चाहिए ना. जर्मन को डॉइच बोलते हैं. वीर हैबन डॉइच गेलेंट. वीर हैबन डॉइच गेलेंट. यू हैव प्लेड टेनिस. डू हास्ट टेनिस गेस्पेल्ट. वेरी नाइस. वी हैव कुक्ड पिज्जा. वी हैबन पिज्जा गेकॉक्ट. वीर हैबन पिज्जा गेकॉक्ट. वेरी नाइस. आई हैव लिव्ड इन म्यूनिक. इश हाबे इन म्यूनशन गेवोंट. वेरी नाइस. वेरी नाइस. क्विकली कितने करेक्ट हैं सब लोग लिखो चैट विंडो में. जो लोग यूट्यूब पे हैं यूट्यूब पे लिखो. वेरी सिंपल राइट. आई सी एवरीबडी ऑल. देखो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द हार्डेस्ट कंसेप्ट इन जर्मन पास्ट टेंस. ये हार्ड नहीं है. ये हमने इंग्लिश में किया है. ये समझ लो. ये वी हैव डन दिस थिंग कि भाई सी का सॉ सीन ये हमने रट्टा मारा है इंग्लिश में भी. दिस इज नॉट न्यू टू अस. Always remember this. तो यहाँ तक समझ में आया सबको. Everybody is clear यहाँ तक. Yes sir. Yes, sir. Any doubts in these all questions? Any doubts? ऐसा नहीं होना चाहिए. ये ऐसे होना चाहिए. No doubts. No sir. नहीं. तो then एक छोटा सा change है. छोटा सा German में change है. वो मैं आपको बताता हूँ. English में कुछ भी हो जाए जो कनेक्टिंग वर्ब था वो हाबन ही था जो कंजुगेटिंग वर्ब था. इन इंग्लिश ऑलवेज द वर्ब वाज हैव. मतलब कुछ भी हो. आई हैव प्लेड. आई हैव ईटन. आई हैव गॉन. आई हैव कम. राइट. इन जर्मन ऑल्सो. इन जर्मन ऑल्सो 95% ऑफ द टाइम्स. आई विल से मोर देन 95% ऑफ द टाइम्स आप हाबन ही यूज करोगे. आप हाबन ही यूज करोगे. Only when जब आपकी जगह चेंज हो रही है. सो वेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस लाइक कॉमन. कॉमन मतलब आप आ रहे हो. गेहन जब आप जा रहे हो. फ्लीगन जब आप उड़ रहे हो. उड़ रहे हो मतलब आप नहीं उड़ रहे हो. टू फ्लाई समवेयर इट्स काइंड ऑफ टू गो विथ एरोप्लेन. फारन जब आप ट्रेवल कर रहे हो गाड़ी से. और थोड़े ऐसे वर्ब्स हैं मतलब जो लाउफन मतलब चलना. ऐसे और थोड़े वर्ब हैं. रुच्चन मतलब स्लाइड. ये जब होंगे व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन योर प्लेस. व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन योर पोजीशन देन ओनली यू विल यूज ज़ाइन का रूप लगाओगे. मतलब क्या कि आई हैव कम होगा तो इश बिन गेकॉमन होगा. इश हाबे गेकॉमन नहीं. समझ रहे हो. आई हैव कम जो होगा वो. दिस इज वन थिंग पीपल गेट अ लिटिल बिट कंफ्यूज. समझ लो कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है. जब जगह चेंज और इजियर वे इज इनको याद ही रख लो. उतना बहुत बड़ी बात नहीं. इश बिन गेगांगन. आई हैव फ्लोन टू समवेयर. इश बिन गेफ्लोगन. ये तो आपको जो गेकॉमन गेगांगन गेफ्लोगन है ये तो आपको एनीवे रट्टा करना ही है. इश बिन व्हाटएवर नाक व्हाटएवर गेफारन. द ओनली डिफरेंस विल बी देयर विल बी अ ज़ाइन. अगर दू है तो दू बिस्ट होगा. दू बिस्ट गेकॉमन. यू हैव कम दू बिस्ट गेकॉमन. यू हैव गॉन दू बिस्ट गेगांगन. वी हैव कम वी अ ज़िंड गेकॉमन. कंसेप्ट समझ में आई.
Yes, sir. So it's a very small, you can say an exception. You know exception, right? Jab hum science mein rules padhte hain, tab usme exceptions hote. So these are kind of exceptions. अभी के लिए ये चार इनफ है A1 के लिए. कॉमन गेहन फ्लीगन फारन आप जब यूज कर रहे हो ना, क्योंकि देखो अगेन हमेशा समझ लो, वी नीड टू हम 95% एक्यूरेसी से जा रहे हैं. तो जब आप बोलेंगे तो जनरली आप कम गो फ्लीगन फ्लाई या फिर फारन ही यूज करोगे. व्हेन यू आर रीडिंग और लिसनिंग आपको पता ही चली जाएगा, अरे इश बिन व्हाटएवर जो भी है, अरे इसलिए आया था. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. हमको यूज करने के लिए दीज फोर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. एनीबडी एनी डाउट इन दिस? सर जस्ट वन डाउट. यस सर, ये हैड के केस में बोल रहे हैं आप या हैव के केस? हैव के ही, नॉर्मल हैव के केस में. जब नॉर्मल आई हैव कम होगा. चलो दो तीन सेंटेंस बनाते हैं. चलो आई हैव कम, आई हैव गॉन टू पुणे. यहाँ पे टू नाक होगा, लास्ट टाइम हमने बात की थी, क्योंकि आप जगह पे जा रहे हो तो नाक होगा. आई हैव गॉन टू पेरिस, यू हैव कम फ्रॉम बर्लिन, वी हैव ड्रिवन टू स्टुटगार्ट. बाकी सब एग्जैक्टली सेम. गॉन का गेगंगन ही होगा, कॉमन का गेकोमेन होगा, ड्राइव का गेफारन होगा, ड्रिवन का. द ओनली थिंग इज बिकॉज जगह चेंज हो रही है, आप ज़ाइन का रूप लगाओगे व्हेन यू आर गोइंग टू कंजुगेट. अर्जोत, आई एम नॉट श्योर नई क्लास कब ज्वाइन कर रहे हैं. सुशांत, देर विल बी नो A2 बैच एज ऑफ नाउ, सो देर इज नो A2 Zoom session thing, yeah. Mohammed, classes daily nahi hoti thi. Classes used to be Monday and Thursday, but today is the last class. Very likely the new classes will start on 20 June, but I'm not sure about it. I'm not at all sure about it. I need to get that passion first, more than anything else. Done? And passion is ambitious, mama, no? Mat karo yaar, last ka din hai. Okay, Dhananjay, sanga tumhara magashi chance dila navta. Sorry, I'm just finishing. Just give me another. Who de? Ajun 30. We will give another 30 seconds. No problem. Ich bin Paris. Gegangen. Du bist. Please don't do Berlin. Gekommen. Please don't do this. I need to stop the sharing. I need to find out who that person is. It's not worth it. ऐसा नहीं कि मैं वो कर नहीं सकता हूँ, but then. No, Mahindra, A2 will not begin on 20th June. Okay, the Dharanjay. Am I audible? Yes. Kedar. So, First one, I have gone to Paris. Ich bin gehen nach Paris. नहीं, इश बिन नाक पेरिस गेगांगन होगा ना, एंड में गेगांगन जाएगा, राइट? ओह सॉरी, इश बिन नाक पेरिस गेगांगन, करेक्ट. द ओनली डिफरेंस इज हाबर की जगह बिन होगा, दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, इश बिन नाक पेरिस गेगांगन. ओके, नेक्स्ट. ओके, डू बिस्ट फ्रॉम, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड, आउस बर्लिन. ओके, डू बिस्ट आउस बर्लिन. Aus Berlin gekommen. Gekommen. Pehle English. We have driven to Stuttgart. Wir haben zu nach Stuttgart. Or haben, देखो. Stuttgart.
गेफारन, देखो समझ लो गेफारन, या वी आर, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी जगह चेंज हो रही है क्या? तो क्या होगा, वी आर जेंड नाक पे स्टुटगार्ट गेफारन, ओके? या करेक्ट करेक्ट, या सॉरी माय गॉट इट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड नाउ? यस. Again, this sir, is sir. Can you please repeat the last one? We are zind nak Stuttgart ke faran. Guys, ये जो पीछे कर रहा है वो please बंद करो. मैं कितनी शांति से बोल रहा हूँ पर फिर भी आप करते जा रहे हो. Please one time try being in my shoes. I can find out, I can remove, but that's it's not worth it, right? मैं फिर से सारे आंसर्स देता हूँ. आपके कारण लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है. आई हैव गॉन टू पेरिस, अगेन जगह चेंज हुई, इश बिन नाक पेरिस के गांगन. यू हैव कम फ्रॉम बर्लिन, डू बिस्ट आउस बर्लिन के कॉमन या फॉन बर्लिन के कॉमन, ये डिपेंड करता है आपको क्या बोलना है. कि भाई तुम्हारा जन्म बर्लिन का है ऐसे बोलना है तो आउस बर्लिन, इश कॉमा आउस बर्लिन, और अभी कल बर्लिन से आया तो फॉन बर्लिन. We have driven to Stuttgart. Yep. We are zind nach Stuttgart gefahren. Samajh mein aaya? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Theek hai? Everybody is clear with this? Yes, sir. That's it. Agar aapko yahan tak clear hai, to yes, abhi next 5 minutes we will learn 4 tenses free mein. Kitne? 4. 4 tenses in next 5 minutes. देखो हाबन का past tense हमने सीखा है हट्टन, right? Yes. Yes. और जाइन का सीखा है वारन. जाइन का सीखा है वारन, right? Yes. 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 देखो ये important है guys. 10 minutes दो. अगर हमको चाहिए तो हम 10 minutes में बंद कर देते हैं. Let's not take the last. पर एक 10 minutes मेरी help करो. चलेगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. I'm trying to give something best, पर वो नहीं आ रहा है फिर से वाइब. Let's finish it on a high at least, right? Yes. Please, yes, sir. Please, next 10 minutes थोड़ा carefully. आपके लिए मुझे कुछ नहीं मिलना है इससे. Next 10 minutes थोड़ा careful, okay? देखो, हाबन का हट्टन, ज़ाइन का वारन, ये आपको याद है, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. So now, Mahendra and Sushant, tumcha prashnanchi uttar mi thoda velane deto. I cannot answer. Please don't make me remove you. Okay? Ata English madhe baga. In English, present perfect kya hota hai? I have played cricket. Past perfect jab aap banate ho, to aap kya karte ho? I had played cricket. Right? Yes, yes. Everybody yes, knows sir. This much. Yes, present yes, perfect, past yes. perfect. आपने क्या किया? सिर्फ have का past tense किया. Yeah. He had played cricket. He had played cricket. Present perfect का past perfect करने के लिए आप सिर्फ जो auxiliary verb है उसका past tense करते हो. बाकी सब same रहता है, right? Yes. Yes, yes, sir. तो इन जर्मन में भी यही. अगर आपको आई हैव प्लेड क्रिकेट, इश हैव क्रिकेट के स्पिल पता है, राइट? ये हमने अभी सीखा. एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? यस यस सर. यस. तो जब आई हैड होगा तो हैव का हाब था, हैड क्या क्या होगा? हट. इश हट क्रिकेट के स्पिल. समझ में आया? यस यस. Yes. I have eaten pizza. Ish haba pizza gegessen tha. I had eaten pizza. Ish hatta pizza gegessen. समझ में आया? Yes. Past perfect. अगर आपको haban और varan आता है और आपको present perfect आया तो आपको past perfect free मिल गया without कुछ सीखे. समझ में आया? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, और सिमिलरली आई हैव ड्रिवन टू क्या किया था? इश बिन नाक पुणे गेफारन और नाक पेरिस गेगांगन. आई हैड ड्रिवन क्या होगा?
पेरिस गए गंगन. समझ में आया? यस सर. यहाँ पे जाइन का पास्ट टेंस होगा. कंसेप्ट समझ में आई? पास्ट परफेक्ट आपको फ्री मिल रहा है. चलो पांच सेंटेंस आपके लिए करते हैं, अपने पास टाइम है. ओके ये पास्ट परफेक्ट है, हैड लगा रहा हूं. ओके ओके सॉल्व करो, होने के बाद डन लिखना. नाउ महेंद्र आणि सुशांत तुमच्या क्वेश्चनचे आंसर्स. ए टू बॅच विल नॉट बिगिन एज इट इज बिकॉज देर आर नॉट इनफ पीपल टू स्टार्ट ए टू अँड आय नीड टू स्टार्ट अबाउट 11 बॅचेस ऑन 30 जून. सो वी आय हॅव नॉट डिसाइडेड वेदर ए टू बॅच विल स्टार्ट अँड इफ इट स्टार्ट वेन इट विल स्टार्ट देर इज नथिंग डिसाइडेड ऑन दॅट. आय होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लिअर. द सेकंड थिंग इज नेक्स्ट A1 सुरू होगा की नाही. This is also not decided. First, I need to start, as I said, 10 batches for school children's in school children in India. If it all goes through, then I am trying my best to start new A1 batch on 20 June. But for that, I need to make sure that I get only passionate people. I don't know how I'm going to. So right now, I cannot tell when the batches start. Okay. अँड युअर क्वेश्चन इज जी मुलं झूम वर आहेत त्यांनी कसं, जो लोग अभी झूम पे है उन्होंने कैसे ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे मेसेजेस भेजे थे कि हमको करना है, हम मन से करेंगे एंड ऑल. दैट्स व्हाई आई हैड गिवन इट टू 250 पीपल. अनफॉर्चुनेटली उसमें से 50-60 ही लोग आते हैं. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक श्योर जब भी कभी चालू हो आई गेट दोज 120 हु विल बी देयर ऑलवेज एट 120 बिकॉज अदरवाइज आई नीड टू ऑलवेज कीप प्लेइंग दिस गेम दैट इज नॉट वर्थ इट. I hope I have cleared all your doubts, Mahendra and Sushant. Sorry, I could not change my tempo that time. Okay. Okay. I will give the answers directly because yahan pe uchchar hone bahut zaruri hai. The pronunciations are very important. Okay. So, let's start. Or you want Sorry, another 30 seconds more. Indian kids in Germany fun vlogs. I think I am not suited for that. They already get so much in their classes. So my daughter is in third class. She speaks better German than me and I have done C2. So when you speak 8 hours a day, you don't need anything else. Sushant, one way you have to send an email to my email ID. The email ID is in my about. There is no, everything is free. Jo Zoom mein hai, unke liye kuch super subscription nahi hai. There is nothing like that. The Zoom people are paid or something. Everything is first come, first serve basis, always. Okay. Should we start? Yes, sir. I had played cricket. Ish hatta cricket gespielt. You had eaten pizza. Du hattest pizza gegessen. We had gone to Berlin. We had gone to Berlin. Wir waren nach Berlin gegangen. Ye sabse zyada mistake ho gaye honge, to yahan pe ho gaye honge. He had learned German. Hatta Deutsch gelernt. Hatta Deutsch gelernt. We had seen Harry Potter. Wir hatten Harry Potter gesehen. Understood everybody? Yes, sir. Yes. Quickly likho kitne correct hain. Mohammed, now I cannot answer. Unfortunately, I need to be in my flow. Okay. You can see one of my videos. They're all there. Okay. Quickly, kitne correct hai likho.
सो आई सी ऑलमोस्ट एवरीबडी एट फोर और फाइव. आई थिंक द फोर जो भी होगा वो वी हैड गोन वाला ही गलती होगी, राइट? बट वो टाइम के साथ आएगा. वो जितना जर्मन पढ़ोगे जितना, एंड दैट्स व्हाई आई सेड मेरी बच्ची अभी लिटरली कल परसों उनको थर्ड क्लास में पहली बार उनको वो इश बिन गेगांगन सिखाया, पर वो कीटा से इश बिन गेगांगन बोलती है क्योंकि वो बोलती है. यू अंडरस्टैंड राइट? मैंने बोला कि हम आना का आया जाना का जाया नहीं बोलते, गया बोलते हैं. किसी ने सिखाया नहीं था ना हमको? Yes. बोलते हैं इसलिए बोलते हैं. मराठीत माझा क्लासिक है धुणे च धुले नहीं धुतले. ये कोई अपने को बताया नहीं आया था कि भाई धुणे मध्ये असेल तर धू आणि ले च्या मध्ये त घालायचं, असं कधी शिकलोच नाही आपण. धुणे धुतले तसच है, जितनी बार करोगे वो अपने आप ही आएगा. येस, इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न विथ ग्रामर, बट एज अ सेड दॅट्स वाय दॅट पेप्पा पिग अँड ऑल इज मोर इम्पॉर्टंट, बिकॉज दॅट इज पॅसिव्ह लर्निंग. कान पे गिरने दो अपने आप. दॅट्स हाऊ चिल्ड्रन लर्न अँड दॅट्स हाऊ वी शुड लर्न. कन्सेप्ट समज मी आई? येस सर. ओके, सो विथ दिस वी आर डन विथ ऑल द टेन्सेस. हा, ओ नाही 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 सॉरी, हम थोडा सा आउट ऑफ ये जा रहे. मैंने आपको ये पांच सेंटेंसेस दिए, पर लेट्स चलो नाउ. जैसे मैंने बोला आपको तो अभी दो सेंटेंस मिले, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और दो भी मिलेंगे, कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट. आई हैव बीन ईटिंग पिज्जा. अगेन जर्मन में कंटिन्यूअस टेंस है क्या? नहीं. नो 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 नो. आप मन में करोगे आई हैव ईटन पिज्जा, इसीलिए होगा इश हैब पिज्जा के गेसन. समझे? और सिमिलरली आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा अगर होता तो क्या होगा? इश आप करोगे आई हैड ईटन पिज्जा, मन ही मन में करोगे, कहीं लिखोगे नहीं है आप कि भाई देर इज नो कंटिन्यूअस टेंस, इसीलिए इश हट पिज्जा गेगेसन. समझ रहे हो? यस सर. यस, समझ में आया? Yes, sir. Yes. देखो चार, सिर्फ हमने लास्ट पांच दस मिनट में चार केसेस आपको, अभी चार टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट वॉट एवर जो भी आप बहुत बड़ा हो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट आपको क्या बोलना है समझ में आया है राइट? यस सर. यस. Yes. And as I say, it's very important to enjoy this. Unfortunately, I will honestly say that one of the reasons why we are stopping this batch, and I really feel bad for you, क्योंकि जो 200-250 लोग जिनके साथ मैंने हर आप में से हर किसी के साथ बात की थी, and every one of you needed for whatever reason to learn German, पर somehow you did not enjoy it. Unfortunately, this batch did not enjoy it. कि भाई अरे यार आज नंबर सीखे, आज मुझे आइंस वाई दराय आता है. जब तक वो नहीं करोगे ना आप नहीं आगे जा पाओगे. That's why we are going to end 7:40 को हम हमारा लास्ट जो लेंगे, लास्ट 20 मिनट्स का काइंड ऑफ क्विज टाइप ये लेंगे आपके लिए, चिट शीट जो आप अपने दीवार पे लगा के रख सकते हो, वो हम लास्ट 20 मिनट्स में करेंगे. 7 मिनट्स वी विल जस्ट टॉक अबाउट हाउ यू ऑल कैन बी इन टच विद जर्मन. तो आई डोंट नो, देखो ऐसा भी हो सकता है कि सम ऑफ यू आर लर्निंग इट ओनली फॉर फन, सम ऑफ यू जस्ट वांटेड टू नो जस्ट द लैंग्वेज कि भाई क्या होता है. फॉर यू एवन इज गुड इनफ, जस्ट बी इन टच विद जर्मन, पेपा पिक देखते जाओ, एक आध दूसरा डॉयचे वेले देखते जाओ, बेसिक जर्मन इज ओके. आपको आगे जाके करने की जरूरत नहीं है. जब आप वो लास्ट की जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वी हैव डन ऑल द बेसिक थिंग्स. सारे आते हैं आपको, सारे जो इंपॉर्टेंट थ्री केसेस हैं वो आपको आते हैं, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डेटिव. गिनेटिव नहीं आया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सारे टेंसेस आते हैं. आपको प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है, फ्यूचर आता है, कंटिन्यूअस तीनों में आता है क्योंकि है ही नहीं, परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, राइट? प्लस आपको क्वेश्चन पूछने आते हैं, आपको रिक्वेस्ट पूछ करना आता है, आपको यू नो द नंबर्स, यू नो द अल्फाबेट्स, यू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ. हमने A1 का पूरा एग्जाम पैटर्न देखा है. वी हैव लर्नड मोर देन रिक्वायर्ड फॉर A1. ट्रस्ट मी, अगर हम ये A2 करते अगर एक साथ, तो वी आर ऑलरेडी डन विद 30% ऑफ A2. जब अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस अगर देखते, और इफ यू हैड सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन डूइंग विथ मी A2,
तो वी यूज टू डू दिस परफेक्ट टेंस एंड ऑल इन ए टू, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है अगर आप देखोगे वीडियोज में ए टू बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि अभी ए टू में रह क्या गया, ओनली कंजंक्शन मतलब बट एंड और एक्सेट्रा एंड गेनेटिव दैट्स इट, और सडनली ए टू 10-12 क्लासेस का हो जाता है और लोग बोलते हैं अरे यार तुमने ए टू में कुछ सिखाया ही नहीं. द रीजन इज हमने ए वन में बहुत रिगरसली किया है, दैट्स वाई आई डोंट ट्राई टू गिव पीपल डायरेक्ट एडमिशन टू ए टू बिकॉज माई ए वन एंड आई प्राउडली से दैट बिकॉज मुझे इसमें से कुछ पैसा नहीं कमाना है, मतलब एक कम सिखा के मुझे कुछ नहीं मिलना है. अवर ए वन इज वेरी रिगरस. अगर आपने मेरे हमारे साथ ए वन किया है देन, और अगर आप इफ यू एंजॉय इट सिर्फ नॉर्मल डे टू डे बात करने के लिए, इतना जर्मन का ग्रामर सीखा हुआ आपको बस है. अगर जो हमने वोकैबुलरी दी वो आपने की, अगर मैंने जो बोला वो आप सुनते रहे, यू कैन हैंडल यूर सेल्फ. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर. एंड द ओनली टिप, अगर आपको जर्मन के टच में रहना है, द ओनली टिप आई वुड रियली वॉन्ट टू गिव यू इट, स्टार्ट एंजॉइंग इट. देर इज नो अदर वे ऑफ लर्निंग इट. मतलब आप कितने भी पैसे का कोई भी लगाओ, एंड ट्रस्ट मी आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स. अभी वन गुड थिंग इज आई डू सो मेनी थिंग्स. मतलब मैं महाराष्ट्र मंडल का ट्रेजरर हूँ, हमारी क्रिकेट की टीम है, लेदर बॉल की टीम है, टेनिस बॉल की टीम है, हर जगह से मुझे लोग मिलते हैं और हमेशा उनका चलता रहता है अरे यार कंपनी से एक कोर्स किया, 1100 यूरो का कोर्स था यार, एवन का कुछ समझ में नहीं आया. 1100 यूरो जस्ट डालने से आपके दिमाग में अगर ऐसे होता, इट्स नॉट मैट्रिक्स राइट, एक चिप डाली और आपके अंदर वो आया, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर. आप कहीं से भी करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा मुझसे जर्मन सीखो, जहां से चाहिए वहां से जर्मन सीखो, जब सीखो, मराठी में सीखो, हिंदी में सीखो, इंग्लिश में सीखो, जर्मन में से जर्मन सीखो, इन गोयते जब भी सीखो उसको एंजॉय करो, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. जो भी करो, जितने भी बार करो, आई हैव पीपल, मतलब मेरे बहुत खास दोस्त है, उनका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि सम ऑफ यू माइट बी नोइंग देम, 5-5, 6-6 बार कंपनी के पैसा उन्होंने A1 पे ही किया और फिर भी अभी इश हाइजर मैं नाम ऑलमोस्ट लेने वाला था, उसके आगे नहीं बढ़ते. इट विल नॉट वर्क, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ओके, एनीबडी एनी क्वेश्चन एनी डाउट? लास्ट नेक्स्ट 3 मिनट्स. टू रिक्वेस्ट. One, Kedar, any guidance? How can we practice German? People who do not have much exposure with other people who speak German, we are at very basic level. No need for that. You can just go through Peppa Pig. That is enough. Okay. Okay. Anyone else? आपने बोला था कि A2 is only मतलब for you it will be only 10-12 classes. प्लीज एक्सटेंड कर लो ना हम लोगों का कोर्स. नो, नॉट एट ऑल. दिस इज व्हाट वही हो रहा है ना कि उसकी वैल्यू ही नहीं है सबको. जाने दो, उसमें नहीं जाएंगे हम. द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर 15th June. आज के आज सबको लगता है कि भाई अरे मैं नेक्स्ट वाला करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर से वही होता है. और मैंने एक बार कमिट कर दिया. द प्रॉब्लम इज द बैच बिफोर यू वी डिड टिल B1, वी स्टार्टेड विद 350 समथिंग स्टूडेंट्स. B1 का लास्ट क्लास हुआ तो 25 लोग थे क्लास में, बट आई हैड टू कंप्लीट इट क्योंकि मैंने कमिट कर दिया था. एज आई सेड, मैंने एक बार कमिट कर दिया तो मुझे करना पड़ा. दैट्स व्हाई वन लेसन लर्नड इज आई एम नेवर गोइंग टू कमिट नाउ. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी A1 की बैच, A2 की बैच और B1 की बैच. आई नेवर से कि भाई A1 से B1 तक सिखाऊंगा बिकॉज देन पीपल डोंट वैल्यू इट. एंड देन आई ट्रस्ट मी, ये करने से पहले आई टॉक्ड विद माय पेरेंट्स, आई टॉक्ड विद माय फ्रेंड्स कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाई दिस इज हैपनिंग. कि आज भी जब चालू किया, व्हाई 45 पीपल वेर देयर, क्यों जब मन करे तब 7-10, 7-20 को लोग ज्वाइन करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वैल्यूड. और आई विल क्रिएट, आई विल फाइंड अ वे. मुझे सिखाना है. सी, आई वॉन्ट टू टीच, दैट्स माई पैशन, आई विल टीच, बट आई विल मेक श्योर दैट आई टीच ओनली पीपल हु आर रियली पैशनेट अबाउट इट. Okay, anyone else? Siddharth here. Just a quick remark, actually. I dropped you an email as well, but a quick remark. I have done 1 year in Lingua course from for A1. I enjoyed that or not, I don't know. But frankly, the way I learned in your session, the pace or whatever you say, but whatever I learned in your session is way different than all those things. And being an engineer, I always live with the logic. Okay, we have a this
being an engineer, I have always a problem that I always try to look for a logic behind that or a concept behind it. Whereas when I don't want to say, but whenever I have done in the past, I understood Siddharth your question. I'll answer to that. I want to remark that they go into a complicated way. Way. Whereas we have broken the pieces, and that is something which I really liked it the way it is, and that is that made my learning quite easier, frankly speaking. And thanks for that, I would say. No, thanks a lot for the words. And see, that's the reason. One reason is because I come from engineering background. That's why I know. Second thing is I am doing it, as I said, about 50 or 60th time. So, pehle jab maine sikha, to maine bhi complicate kiya hoga. But then I learned it. Jitna easy karo. Aaj ki concept mein agar sirf auto aur ye lagna hai, auto, over aur ye lagna hai, to aaj hi wahi sikhenge. Baad mein extra aap kar sakte ho. So, एंड सी मैं बिल्कुल मतलब मैं बहुत मॉडेस्टी के साथ कहता हूं मैं जिस तरह सिखाता हूं आपको बाहर नहीं मिलेगा. द ओनली रीजन इज बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी. मैं जब ऑफिस का काम करता हूं तो इतना अच्छी तरह से नहीं करता हूं क्योंकि वहां पे मैं पैसे के लिए कर रहा हूं. दिस आर स्पेशल क्लासेस बिकॉज फॉर मी दिस इज लाइक समवेयर आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन बट आई what I want to say is like for me this is like what I see ki jo log jab whatever jo puja vagera karte hain that thing this is very pure to me. That's why when I am teaching you I try to give my 100% and that's why these classes are always going to be special. Jab tak mujhe nahi lagega ki bhai I am going to be able to give you 100%, मैं नहीं सिखाऊंगा. I don't start a new batch till then, जब तक मुझे नहीं लगता. So thanks a lot. And that's why, and that's one of the reason why I don't want to continue. Okay, anybody else? Yeah, so that's what I'm saying, Kedar. Okay, let's give everybody a chance. Sorry, because we need to start. We are already late. Okay, anyone else? Any questions, basically? Any questions, any doubts, whatever we have learned till now? No questions, sir. But I think everyone has a capital post to say to you. I did not understand. Unfortunately, dekho, ye, this... I hope ki aapke paas hi hai. Please mute karo ye jo bhi hai yaar. Now what you were saying? Yeah, sir, actually I'm saying there is no question from our side, I think, but everyone who holds a gratitude post to say things to you. Yeah, thank you. I also appreciate your time. Trust me. It's not like मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ. You are giving me a chance to teach you. I'm really, I always thank you. If you see, I am always like holding my hands. I'm very happy. My only request is make sure that you utilize this. Make sure कि भाई इससे कुछ हो. That's my only thing. Again, as I said before we go, because now, right now we will go quickly to teaching and then unfortunately मैं कितना भी बोलू लोग छोड़ के जाएंगे क्लास को. That is the thing. The only thing I wanted to tell you is on 15th June, round about 15th June or 12th, 13th June, I will put on our groups what are the next instructions. But trust me, if I start A2, it will be very selective. Or fir agar aap wahan pe ho, to mere, so you just I'll give you one reason. I was in Taiwan. I was in Taiwan at 2 o'clock. I was taking class. Meri beti ka birthday tha. I was not doing that celebration. And before that, one lady had sent me a mail. Aaj main nahi join karungi kyunki mere bete ke friend ka birthday wahan pe humko jana hai. It hurts me. Mujhe lagta hai ki am I not giving correct respect to my daughter? Samajh rahe ho, right? So I want to make sure. Agar A2 jab bhi agar shuru hua, to it will be only for those who really value it. And maybe what we can do, I'll try to find a view. Again, trust me, somebody actually told, and I was so surprised ki logo ke kya kya matlab dimag mein fitur hote hain, ki matlab, ki haan, tum to YouTube pe ye stream karte ho kyunki tumko views mile. Guys, ye jo live view stream hota hai, uske maximum views 300, 400 hote hain. Ye jo aaj aapka, ek episode ke views agar aap jaake ho, 300, 400. एवरी डे जो मेरे ऑलरेडी रिकॉर्डेड एपिसोड है उनको 2,000 to 3,000 व्यूज होते हैं हर रोज. और एनीवे मैं तो उनको मोनिटाइज कर ही नहीं रहा हूँ.
तो उसका तो मुझे कुछ फायदा ही नहीं है. द ओनली रीजन व्हाई इट वॉज ब्रॉडकास्टेड ऑन यूट्यूब कि अगर आप मिस कर गए तो आपको उसका आपको वो देखने मिले, समझ रहे हो ना. पर लोग उसका भी गलत ये निकालते हैं कि अरे नहीं ये जानबूझ के करता है सो दैट उसको व्यूज मिले. क्या करना है मुझे व्यूज लेके, राइट. बट वही है, मुझे वो बंद करना है. आई नीड टू फिगर इट आउट. ओके ओके अगेन इन केस अगर आप छोड़ के नहीं गए तो हम लास्ट में भी और 5 मिनट बात करेंगे. बट नेक्स्ट 15 मिनट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वो जो हमारा मेरा जो आपको मेन मुझे देना है. थैंक्स अ लॉट एवरीवन आज तक ज्वाइन किया. लेट्स डीप डाइव इनटू अवर दिस थिंग. सो दिस इज समथिंग आई डोंट नो हाउ विल आई शेयर. आई थिंक आई विल ट्राई टू कॉपी पेस्ट. इफ इट डजंट वर्क देन वी नीड टू डू समथिंग. ओके सो वी नीड टू आपको ये सॉल्व करना है. okay? So it's, you can see it, right? Yes. Okay, let me first do. Till when do you play cricket? नहीं वो बहुत है, 20 है. Let just give me some time. Just give me some time. इतना ये मत करो. Da 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 da. What can be the better way? Okay, I think the better way is stop the sharing. और मैंने जो ये बनाया है उसी के टुकड़े करते हैं दो. Control X, इसको यहाँ लेके आते हैं. Then Control V, and then increase its font size. Now let's share this. Yes, stop sharing. Share the Excel. You can see this Excel, right? Yes. Okay, so you have to solve these 20. Honestly, पहले English में लिख लो. Take your time. अगर थोड़ा late हो गया तो भी चलेगा आज. English and then in German. This is going to be your cheat sheet or something. ये आपको बाद में चिपकाने मिलेगा आपको. What we have done? हमने सिर्फ play और cricket रखा है. आप बाद में उसका वर्ब ईट पिज्जा भी कर सकते हो. आई हैव जस्ट डन इट सो दैट आपको ये पता चले. विथ ओनली वन वर्ब प्ले एंड वन वर्ड क्रिकेट वी हैव ट्राइड ऑल द टेंसेस पॉसिबल, ऑल क्वेश्चंस, ऑल यस नो WH, ऑल रिक्वेस्ट. इंग्लिश लिख लो, जर्मन में सॉल्व करो. इंग्लिश लिख लो, जर्मन में सॉल्व करो. ओके ओके सर. Take your time, aram se solve karo. This is our last thing we are doing together. Trust me, this is very important. We used to enjoy it a lot. I hope aap bhi enjoy karoge usko. WhatsApp group you get added once you send me an email. Okay. Thank you, Afreen. Let me send my email ID. It should be there in my. Okay, now me is how can I do? It's learn German with Kedar Jadhav. जो मेरा चैनल का नाम है लिटरली दैट लर्न जर्मन विद केदार जाधव @gmail.com. इट्स लिटरली द सेम. जो लोग यूट्यूब पे डोंट राइट आंसर्स हियर, जस्ट सॉल्व करो. जब सॉल्व हो जाए तो डन लिखना. ओके आराम से सॉल्व करना. 10 मिनट शुड बी मोर. ओ वी आंसर द ट्रेनर कैन. इट्स मी श्वेता.
नहीं आंसर आई थिंक मैं नो आई वाज आस्किंग माय डॉटर आई वाज आस्किंग माय डॉटर शी इज लिटिल बिट शाय बिकॉज़ शी कैन प्रोनाउंस बेटर देन मी बट एनीवे आई विल गिव द आंसर बिकॉज़ दिस टाइम करेक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट because you are as I said you are going to put it in on your hopefully your wall so let's make sure that we are correct in your answers okay just to get an idea kahan tak kitne ho gaye So you are not audible. Yes. Not audible. I can't see the screen. Sir, tumchi screen pan geli hai. Am I audible now? Yes, pan screen geli. That's okay. I just wanted to check if I am audible. Kitne correct hue hain aapke? Sir, screen. Kitne solve hue hain? 13, 14. Bahut kam hai. Itna bhi hard nahi hai, right? Yeah. No, sir. Done, sir. Okay, so I hope jo 14 bol rahe hain, they are the last ones, right? Jo log done hue, please done to likho chat mein. Am I audible? Yes. You are audible. So jo logo ka hua hai, please done likho chat mein. At least I will get some idea.
Yeah, I see 7, 8, 9, 10. Okay, done. Hello. Yes, no, sir. Yes, done. कोई तो at least मुझे थोड़ा 5 मिनट आंसर दो यार, 5 मिनट. Let's do it 5 मिनट. चलो थोड़ा सही रखते हैं. Okay, should we start? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anybody remaining? To number directly, bolo. Kaun se number pe? I think we can start. I think it's very straightforward. Or it's not maths, right? Ki solve karna hai. Aata hai to aata hai, nahi aata hai to nahi. Okay, as I said, this is covering all your tenses. Main answer dunga. Keep checking. Okay. Pehle present tense. I play cricket. Ish spiele cricket. Everybody agrees? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. I am playing cricket. There is no continuous tense. So normal. Ish spiele cricket again. Okay. Then we are having few modal verbs. I want to play cricket. Ish will cricket spielen. I can play cricket. Ish kann cricket spielen. I must play cricket. Ich muss cricket spielen. I should play cricket. Ich soll cricket spielen. Okay. I would like to play cricket. Would like to. Ek hi word hai. Ich möchte cricket spielen. Yahan tak clear sabko? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And we will go to. Then we will go to future tense. I will play cricket. Ich werde cricket spielen. Again, I will be playing cricket. No continuous tense. Phir se ich werde cricket spielen. Then we will go to request. May I play cricket? Darf ich cricket spielen? Darf ich cricket spielen? Then we will do questions. One question, normal question. When do you play cricket? Either wann spielst du cricket? Ya phir wann spielen sie cricket? Depends. तुम खेलते हो या आप खेलते हैं. सिमिलरली डू यू प्ले क्रिकेट? यस नो क्वेश्चन. स्पील्स डू क्रिकेट या फिर स्पीलन जी क्रिकेट. यहां तक क्लियर है सबको? यस सर. यस यस सर. नाउ नाउ द पास्ट टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट दो दिनों में हमने सीखा. आई प्लेड क्रिकेट. इश स्पील्ड क्रिकेट. इश स्पील्ड क्रिकेट नॉर्मल पास्ट टेंस. आई कुड प्ले क्रिकेट modal verb in past tense. Ich konnte cricket spielen. I wanted to play cricket. Ich wollte cricket spielen. Then I was playing cricket. There is no continuous tense. Again I played cricket. Ich spielte cricket. I have played cricket jo aaj humne seekha. Ich habe cricket gespielt. Again I have been playing cricket. No continuous. फिर से इश हाब क्रिकेट गेस्पील्ड. आई हैड प्लेड क्रिकेट. इश हट क्रिकेट गेस्पील्ड. आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट. अगेन नो कंटिन्यूअस. पार्वती. इश हट क्रिकेट गेस्पील्ड. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस सर. कितने करेक्ट आए ऑनेस्टली चैट विंडो में लिखो प्लीज. सर प्लीज रिपीट द लास्ट वन. Ich hatte cricket gespielt. Ich hatte cricket gespielt. Yeah. Thank you. So if you are getting more than 17, aapka even ho gaya. Okay. It's then about only learning new verbs. Kyunki phir aapke sare concept clear hai. Samajh mein aa raha hai? Jo jahan pe wrong hua, kaha kya wrong hua, samajh mein aaya?
Yes. Yolo, I'm seeing many on 16. I wonder what four are these. I hope they are the last ones. Then I'm still okay. Yes, sir. Last one. If today's ones, then I am still okay. Abhi kya karo? I will give you. Ye must take sketch pen se wagera ye banao. Aur English aur German. Iska bade isme lagke aapki jo bhi diwar jahan pe sote ho wahan pe likh do. This is your cheat sheet. Sirf aapko kya karna hai? Ek din utho, I play cricket ki jagah, I eat pizza. Ish essa pizza. Ish, I am playing cricket. I am eating pizza. Ish essa pizza hi. I want to eat pizza. Ish will pizza essen. Samajh rahe ho? Dusre din utho, I want to drink. I drink tea. Drink tea ka. Ish drink a tea. I learn German. Jitni baar aap ye karoge, perfect hoga. Then aapko sochna nahi padega. Samajh rahe ho? Yes, sir. Samajh mein aaya kya karna hai? जैसे आई प्ले क्रिकेट लिया एक दिन आई ड्रिंक टी एक दिन आई सी हैरी पॉटर जो भी आपको लेना है जो भी एक वर्ब एक वर्ड लो और उससे ये सब कंजुगेट करके देखो इट विल बी वेरी इजी कंसेप्ट समझ में आई सबको इतना करोगे तो फार मोर देन इनफ एनीबडी एनी क्वेश्चंस इन दीज 20 क्वेश्चंस नो सर Perfect. अगर आप देखोगे तो इट कवर्स एवरीथिंग इट कवर्स योर प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट ऑल मोडल वर्ब्स फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर रिक्वेस्ट WH क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन पास्ट टेंस विद मोडल वर्ब्स कंटिन्यूस पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट दीज 20 आर योर मतलब ये आपका मेन है इससे आप जो भी एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो कर लो ये करते जाओ थोड़ा कभी जर्मन सुनते जाओ एंड जब जब पॉसिबल हो 750 वर्ड्स की वोकैबुलरी कंप्लीट करो यू आर वे मोर देन A1 ऐसे ही उठ के एग्जाम में जाओगे तो भी 80-90 आ जाएगा A1 का कोई टेंशन नहीं है अंडरस्टूड एवरीबॉडी यस सर कॉन्फिडेंस आया A1 का अगर आप वो पैसे दे के करोगे वो आपको A1.1.2.3.4 जो भी करवाएंगे इतना आपको नहीं सिखाएंगे समझ रहे हो थैंक यू सो मच Okay. Yes, thank you so much. So I think with this, I hope you enjoyed this last part. That's why I had kept it at the last. Definitely, sir. This part was very interesting. Thank you. Thank you. And I hope you got the confidence. देखो, कोई भी language hard नहीं होती है. सबसे important, if you remember, जो मैंने चार चीजें रखी थी, if you remember, I think I hope जब हम end कर रहे हैं, the four things, if you remember, पहला मैंने क्या बोला था? German easy है. Believe in that. Second thing. Enjoy करो, that's important. Third thing, 100% perfection नहीं चाहिए. English भी नहीं आती यार हमको 100%. हम English में भी B1, B2 है, पता है आपको? आप C1 की English दोगे तो fail होने वाले हो. पर हमको लगता है ना English आती है बस. And the last one, believe in me, trust me. देखो मैं बाकी normal day to day life में कैसा भी इंसान हूँ whatever. This teaching, I am at my purest. One of the important things that I got from German is it made me a good man. I believe that. जब मैं जर्मन सिखा रहा हूं देयर इज नथिंग इन माय माइंड कि सिर्फ आपको अच्छा जर्मन सिखाना है दैट्स द ओनली थिंग सो ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हाटएवर आई हैव गिवन यू टू माय बेस्ट माय बेस्ट नॉलेज आई हैव गिवन यू द बेस्ट समझ रहे हो सिद्धार्थ उसमें अभी नहीं जाते हैं गेहन राइजन फारन गेहन इज टू गो राइजन इज टू ट्रेवल फारन इज टू ड्राइव ऐसे आप इट्स लैंग्वेज राइट लेट्स नॉट गो देयर ओके Okay. Anybody else? Any questions? Any doubts? मतलब thank you. I'm seeing lot of thank you messages. I got lot many thank you messages. There was one that was very heart touching. I will not take a name, but that lady said that it not only helped her, it helped her 5-year-old kid क्योंकि उसको कीटा में problem हो रही थी kindergarten में. Now he is able to cope up well. I'm happy about that. Trust me. I'm happy if you are doing good. I really feel nice. And that's why let's finish it on a good note.
I sincerely hope at least jo 69-70 log aap yahan pe hai right now, you get in touch with German. Jab main 14-15 June ko when I put that message, agar aap 70 log ekdam sincere ho to aap wo answer karna. We will have call. I will make sure agar hum A2 shuru kar rahe hain, it will be only those 70 people will be there every day. 70 people we will make sure. अगर वो कर सकते हैं, I would be happy to start A2. मुझे सिखाना ही है, because otherwise what will happen is like I will be teaching at a point I will be teaching 10 A1 batches. जब से मैं ये A1 A2 सिखाना शुरू किया है ना, मेरी level C2 से C1 को आ गई है. क्योंकि when you stay in basics, please mute करो यार जो भी कर रही है, please. 2 minutes बोल रहा हूँ, okay? And as I said, thanks a lot. I always appreciate your time. Thank you. You were coming online, especially those who are watching this live on Zoom. I really appreciate your time. I really appreciate that you gave me chance to teach you. It was nice teaching you. Okay. Anybody, any final questions? No, sir. If not, then I really wish If we meet sometimes, be in touch with me. Please make sure that direct approach karo mujhe. I would be really happy ki bhai, because unfortunately kya hota hai, when there are so many students in my first batches, I used to know what are their names. Now unfortunately, and I try to be discreet because also it's live, so that's why I don't try to interact much also. That's one reason, because earlier like when you are not recorded, when you are not live, you can talk a little bit more and all. But in definitely, if we meet somewhere, please do come and talk. I'd be very happy. I hope when we meet somewhere, our paths cross each other, be in touch. But agar aap mere touch mein nahi rahoge, to bhi chalega. Important thing is you stay in touch with German. I would really hope ki aap log iska jaake kuch bhi kare. I'm not saying ki har koi jaake B1, B2, C1, C2 ke exam de. That's not needed for everybody also, right? I just hope ki jo 70 log yahan pe hai, 69 people are there, they will remain in touch with German. Wo German bole, that's it. Okay? Okay, so with that, as I said, thanks a lot everyone. Whether we will do A2 or not, I will give the information on our group after 12th or 30th June. As I said, on Sunday, I'm again traveling to US for 15 days for a well-earned vacation, because those 15 days I want to keep a little bit for my family, because as I said, after 30th June se Maharashtra mein, especially Vidarbha mein, schools shuru hote hain. I'm going to start 11 batches together. I don't know how I'm going to do that. I have volunteers, but still I don't know, but it's going to be a challenge. So it's another 500 to 600 schools. Maybe more than that. Who knows? Okay. So once again, if there are no doubts, okay. So I'll quickly check. Okay. I see on group also 1918. Very good on YouTube. Thanks, Mahendra. Thanks, Sushant. Thanks, Mahendra. Okay. So I guess, should we stop now? We have another 2 minutes, 8:10. We will stop. Anybody, any questions? Thank you so much for making it so much fun for all of us. Thank you so much, sir. Really, yes, thank you. Thank you, sir. Heartfelt gratitude, sir. Thank you. Thank you so much, Kedar. And trust me, I am really happy we are ending it on good note. At least, kyunki dekho, har kisi ko A2 nahi karna hoga. If we would have ended ki bhai thoda aade jaga aur phir 25 hi log hain, maybe in A2, jo log aap mein se sincere hai, maybe we will find another 20-30 people ki jo pehle wale jinke ye nahi hue the, and we can have a batch of 100. I am not sure, but we will try to have. But jo abhi tak hua, I am happy with this. And trust me, jo logo ko office mein ke liye wagera nahi chahiye, if you, humne bahut seekha hai, trust me, I have given you all I have got in terms of A1. Itna bhi karoge, that is more than enough. Just start enjoying German. Main bol raha hu, paper pick enjoy karna chalu karo. Deutsche Wille kabhi to dekho, Goethe. Aajkal, see, one of the things that happened because of Corona, there is so much available online. Agar aap dekhoge,
When we were learning 8-9 years back, ये सब चीजें नहीं थी. इवन गोयथे डॉयचे मिलर ने भी अपने वीडियो लास्ट 2-3 सालों में डाले हैं. गोयथे स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन इन लास्ट 2 years जब कोरोना आया. अदरवाइज दे हैड वेरी मच एवर्जन टू ऑनलाइन थिंग बिकॉज जर्मन्स जनरली हैव एवर्जन टू ऑनलाइन थिंग्स. अभी भी सारे जो इंपॉर्टेंट मेल है वो मेल में आते हैं, ईमेल में नहीं आते. राइट, सो यू आर लकी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. आप लोग बहुत नसीब वाले हो. There is so much available on internet. बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उनसे सीखो. And I will always say, मेरे चैनल से सीखो, ऐसे मैं कभी नहीं बोलूंगा. कहीं से भी सीखो, जर्मन सीखो. That is important. Understood? जैसे भी हो जर्मन के टच में रहो. फिर उसके लिए पेप्पा पिक देखो, डॉयचे विलर देखो, गोयथे देखो, या कुछ कुछ होता है का जर्मन वर्जन देखो. Doesn't, you don't care. As long as आपका जर्मन अच्छा हो रहा है, as long as you are learning new words, आप ड्यूलिंगो से सीखो, आप और कोई नया ऐप है, जहां से भी सीखना है सीखो, जर्मन सीखो. दैट्स इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई थिंक वी आर 8:10. थैंक्स अ लॉट अगेन एवरीवन फॉर यू. थैंक यू केदार. थैंक्स अ लॉट. हैव अ ग्रेट यूएस ट्रिप सर. होप टू सी यू पांच क्रॉस समवेयर. थैंक्स अ लॉट अगेन. ओके, बाय. थैंक यू केदार. वी आर वेटिंग फॉर यू.